चुनाव के दौरान से ही राहुल गांधी और टीएमसी में ऑल इज वेल नहीं है। चुनाव के रिजल्ट के बाद जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें भी ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी, उसमें अभिषेक बनर्जी शामिल हुए थे। जरा याद कीजिए उन तस्वीरों को। और इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने पहली मुलाकात कब की, अखिलेश यादव के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की थी, और फिर अगली मुलाकात मुंबई में उद्धव ठाकरे से हुई थी। मतलब ये कि डिवीजन को लेकर जो विभाजन सामने आया है, जो डिवीजन सामने आया है, उससे ये तो साफ हो गया है कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। खैर, अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के सामने डिवीजन की मांग क्यों नहीं रखी, और अगर उन्होंने उम्मीदवार उतारा था तो फिर वोटिंग क्यों नहीं कराई गई, क्योंकि उन्हें पता था कि नंबर गेम उनके खिलाफ है, और अगर वोटिंग होती भी तो ऐसे में ओम बिरला ही जीत जाते, इसलिए उन्होंने स्पीकर के चुनाव में वोटिंग की मांग नहीं की। इसे आप ये मत समझिए कि ये कोई बहुत बड़ी दरिया दिली थी जो कांग्रेस पार्टी ने दिखाई या विपक्ष ने दरिया दिली दिखाई। अगर वाकई में इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी थी तब तो फिर के सुरेश को भी मैदान में नहीं उतारती। एक व्यक्ति को पहले तो आप चुनाव में खड़ा कर दें और फिर डिवीजन ऑफ वोट ना मांगे और ये बताने की कोशिश करें कि हम सहमति चाहते हैं, तो ये तो ढकोसला ही कहा जाएगा। खैर, इसके बाद संसदीय परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से उठे, ओम बिरला जहां पर बैठे हुए थे वो वहां पर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे, राहुल गांधी भी वहीं पर पहुंचे, उन्होंने भी बधाई दी, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं इसलिए जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बड़ी शानदार तस्वीर है, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक तस्वीर है जहां पर ओम बिरला जो कि स्पीकर चुने गए, उनकी चेयर तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्हें अपने साथ लेकर जब वो लोकसभा के अध्यक्ष की स्पीकर की चेयर पर पहुंचे तो उस वक्त उनके साथ साथ राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे थे। एक नए अंदाज में वो दिखाई दे रहे हैं, कुर्ता पजामा उन्होंने पहना हुआ है, हाथ मिलाकर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, और पीछे किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री के पोजिशन पर है, एक संवैधानिक पद है, वो भी इस तस्वीर में दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला की उपलब्धियों का आज जिक्र किया, जो 17वीं लोकसभा में उनके अध्यक्ष रहने के दौरान हासिल की गई थी। आपको बता दें ओम बिरला लगातार तीसरी बार राजस्थान के कोटा से चुनकर संसद पहुंचे हैं और दूसरी बार वो स्पीकर बने हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर हासिल होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज अ सांसद भी, हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। लोकसभा में जो तस्वीर आज आपने देखी, ऐसी तस्वीरें आपको अब लोकसभा में 18वीं लोकसभा में बार बार देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक कॉन्टिन्यूटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी महत्वपूर्ण पद पर हैं। चाहे कल राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है, उसके बाद जब धन्यवाद प्रस्ताव होगा तब भी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी का भाषण ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप अभी तक अधीर रंजन चौधरी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते आए हैं। जब लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा तब भी ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। जब राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलेगा, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को सुनेंगे। नरेंद्र मोदी को अपना लोकसभा में बहुमत साबित करना है, लेकिन उससे पहले उन्होंने फ्लोर टेस्ट पर बिना वोटिंग के अपना बहुमत साबित कर दिया है।
स्पीकर के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को ध्वनिमत से तो जिता ही दिया गया। साथ ही एनडीए के 293 वोटों के अलावा जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के 4 सांसदों ने भी समर्थन किया, यानी कि एनडीए के पक्ष में ओम बिरला के पक्ष में 297 सांसद थे। जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद को 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र बताया। ये हमारा भवन ये सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, हमारा ये संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। संसद की कार्यवाही जवाबदेही और आचरण हमारे देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको और अधिक मजबूत बनाता है। हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण सदन के नियमों का पालन हम सब करें, और आपने बड़े सटीक तरीके से संतुलित करके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया। ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में ये 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी।